नमस्कार, डिलीशियस लड़का में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बिल्कुल नए और अलग तरीके से चटनी की रेसिपी। वैसे तो हम सब तरह तरह से चटनियाँ बनाते भी हैं, खाते भी हैं और बहुत सी चटनी की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद भी हैं, लेकिन ये खास जबरदस्त चटनी कुछ हटकर है। इसमें हम ऐसी चीजें डालेंगे जो इसके स्वाद को बहुत ही बढ़ा देंगी। आप पकौड़ों से और सैंडविच से ज्यादा ये चटनी खाना पसंद करेंगे। इसे मैं आपको स्टोर करना भी बताऊंगी, से आप महीनों तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने लिया एक छोटा पैन, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच चना दाल। अगर आप चना दाल ना पसंद करें ना, तो आप इसकी जगह मूंगफली यूज कर सकते हैं, भुने हुए चने यूज कर सकते हैं। पहले इसे मीडियम फ्लेम पर ना हमने भून लेना है 1 मिनट के लिए। देखिए 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून जीरा। इसको भी ना हमने इसके साथ भून लेना है कि जीरे और ये दोनों की ना बहुत अच्छे से खुशबू आने तक। भून के डालने से ना चीजों का स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है। देखिए हमने 2 मिनट तक इन सब चीजों को भून लिया है दोनों को। अब गैस को बंद कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे प्लेट में निकाल कर। मैंने लिया फ्रेश हरा धनिया चटनी के लिए। ये जो धनिया है ना, ये 1 गड्डी धनिया लिया था मैंने, इसको मैंने तोड़ लिया है। इसकी जो छोटी छोटी डंडियां है ना, मैंने उसके साथ ही इसको लिया है। ये देखिए, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छा कलर आएगा। इसको तोड़ने के बाद अच्छे से वॉश कर लें और धनिया को तैयार कर लें। अब ले लेंगे हम मिक्सी का जार, उसमें इस धनिया को डालेंगे अच्छे से दबाते हुए। इसके साथ ही ना मैंने ले ली थी 2 गड्डी, छोटी सी गड्डी थी जो पुदीने की आती है ना, वो ली थी। उसके खाली हमने पत्ते पत्ते तोड़े हैं, इसकी डंडियों को नहीं लिया है। और इसको अलग वॉश करना है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। इसको डाल रही हूं और मैंने ली थी 5 हरी मिर्ची। ये कम तीखी वाली हरी मिर्ची ली है, आप चाहे तो ज्यादा तीखी वाली भी ले सकते हैं, और मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मिर्ची डालने के बाद मैं इसमें एक प्याज डाल रही हूँ। ये मैंने छोटी सी प्याज ली थी, उसको रफली चॉप कर लिया था, और 4 से 5 ली थी लहसुन की कलियाँ, उनको छील लिया था, और एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया था 1 इंच का, उसे भी रफली चॉप कर लिया है। और मैंने ली थी एक छोटी सी शिमला मिर्ची, उसमें से आधी शिमला मिर्ची मैं डाल रही हूँ। इसके बीज और डंडी को मैंने हटा दिया था, वो नहीं डालना है, और थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालनी है, आधी डाल रही हूँ छोटी शिमला मिर्ची में से। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो हमने चना दाल और जीरा भुना था वो डाल देंगे। देखिए चना दाल ना सबके घरों में होती है, इसलिए मैंने ये बोली है। अगर आपके पास मूंगफली डालना चाहें आप मूंगफली डाल सकते हैं, भुने हुए चने डालना चाहें बहुत अच्छे लगेंगे। और इसके साथ ही मैंने ले ली थी थोड़ी सी फीकी वाली भुजिया, जो हम भेल के ऊपर डालते हैं ना, वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास भुजिया ना हो तो आप चने दाल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। और इसमें डाल देंगे अब थोड़ी सी चीनी, 1/4 टीस्पून। इससे मिठास नहीं आएगी, ये मसालों को बैलेंस करेंगी और इसके कलर को भी बहुत अच्छा रखेगी। अब इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नॉर्मल नमक। आप जो नमक है ना अपने स्वाद अनुसार डालें। और मैंने लिया 1/2 नींबू खट्टेपन के लिए इसमें, और इसको मैं निचोड़ दूंगी इसमें। आप नींबू डालते समय इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि इसमें बीज ना जाए, नहीं तो चटनी में कड़वाहट आएगी। अब इसमें डालेंगे पानी, मैं इसमें फ्रिज का पानी चिल्ड वाला डाल रही हूँ। पहले थोड़ा डालेंगे, एकदम से ज्यादा नहीं डालेंगे। इससे क्या होता है, जब हम चटनी पीसते हैं ना, तो इसका जार जो है वो गर्म हो जाता है और चटनी काली हो जाती है। ठंडा पानी डालने से ऐसा नहीं होगा। हमने चटनी को पीस कर तैयार कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है इसका। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं लंबे समय तक, तो जिसमें हम बर्फ जमाते हैं ना, उस ट्रे में आप इसको जमा सकते हैं। जब आपका मन करे उसमें से क्यूब निकालिए, इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको किसी भी स्नैक्स के साथ
पकोड़ों के साथ, किसी भी सैंडविच के साथ, पुलाव के साथ खाएंगे ना, ये उसके स्वाद को 2 गुना बढ़ा देगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।